हाय गाइस, सो ये वाला लुक आपने देख ही लिया होगा क्योंकि मैंने ये वाला वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ये मैंने एंगेजमेंट के लिए लुक क्रिएट किया था, मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट थी। ओके, तो मैं वापस आ चुकी हूँ, रात के 11 बज रहे हैं और मेरी हालत कुछ इस तरीके से हो गई है आने के बाद। अब मुझे बिल्कुल भी होश नहीं है कि मैंने क्या पहन रखा। मेरी हालत, मेरे बालों की हालत देखो, जो कर्ल करे थे मैंने मेरे बालों पर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इयररिंग्स निकाल लूँगी और उसके बाद भी मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिला। पर जो इयररिंग्स निकालने के बाद थोड़ा बहुत सुकून मिलता है ना, वो मुझे मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पे इयररिंग्स मैंने निकाल दिए हैं। अभी भी मैंने साड़ी वेयर करी। यार लोग कैसे काम कर लेते हैं साड़ी पहन के, मेरे से चला नहीं जाता। पर फिर भी मैंने थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ली थी कि मैं एकदम नॉर्मल हो रखी हूँ साड़ी पहन के, पर ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया है और आप मेरे अगर अगल बगल देखोगे ना, साइड में देखोगे, इस तरफ देखोगे उस तरफ, तो आपको बिखरा हुआ, बिखरी हुई जो चीज़ें हैं वो दिख रही होंगी। एक तरफ ब्लाउज़ पड़ा है, एक तरफ कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है, मतलब हर जगह पे। अगर आप नीचे देखोगे ना टेबल पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, इसलिए मुझे इस वाले घर वापस आना पड़ा क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे फिर से दूसरे वाले घर लेकर जानी थी। तो मैंने सोचा कि ये वाला गेट अनरेडी विथ मी लोग शेयर करते हैं तो मैं भी शेयर कर देती हूँ। ओके, तो सारी चीज़ें मुझे सेट करके ले जानी थी घर, क्योंकि ऐसे इकट्ठा उठा के नहीं ले जा सकती थी। तो मैं साथ में सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते जा रही हूँ ताकि वो मुझे घर ले जाकर वापस से जमानी ना पड़ जाए। ओके, तो ये वाला जो क्या कहते हैं इसको, मेकअप रिमूवर पैड मैंने कहाँ से लिया था, मीशो से मैंने लिया था। ये 3 मुझे मिले थे, आई थिंक 125, पता नहीं मुझे। मैं यहाँ पे स्क्रीन में इनका जो मैंने जितने का लिया है मैंने वो स्क्रीन पे लगा दूँगी इसका प्राइस। एंड मुझे लग रहा था कि ये पता क्या होता है कि ये इसको ना ऐसे फेस पर वो करो तो मेकअप निकल जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत ही मेकअप निकलता है, पर जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना, मैंने सोचा कि यार मैंने क्या लिया ये। एक बार आप थोड़ा सा पीछे जाके सोचोगे ना, तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो इसी से जो पॉन्स पाउडर होता था हम पूरे फेस पे लगाते थे, ये मुझे उस टाइप की फील दे रहा था। बट ऐसा कुछ नहीं है, एक जो मेकअप रिमूवर पैड है वो वही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो लिक्विड होता है मेकअप रिमूव करने के लिए वो पहले मैंने इस पर डाला, उसके बाद मैंने रिमूव करने की कोशिश की। तो ये बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके, जैसे मैंने सोचा था, लाइक जैसे मैंने वीडियोज़ में देखा था कि ये वैसे पूरा फेस को ना वो कर देता क्लीन, तो वैसे ही कर रहा था। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये 3 मैंने मंगवाए हैं। मतलब एक तो वो देगा नहीं क्योंकि एक काफ़ी सस्ता आ रहा था, आई थिंक 50 रुपीज़ का, पता नहीं कितने का, मैं स्क्रीन पे डालूंगी तो आप देख लेना, मुझे उतना याद नहीं है। तो इसने पूरे मेकअप को बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया और मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली हो जाती है गर्मियों के टाइम पे। तो यहाँ पे मैं फोमिंग जो फेस वॉश होता है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, मतलब यार लगा रही हूँ। और ये जो फोमिंग फेस वॉश है वो बट्स एंड बेरीज़ का है, बट्स एंड बेरीज़ पता नहीं ऐसी कुछ है, जो कि मुझे फ्री में मिला था। तो पहले इस वाले पैड से मैंने इसको रिमूव कर लिया, फिर अगेन मैंने इसको लगा के पानी से और वॉश कर लिया। ओके, तो बस इतना ही दिखाऊंगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाऊँगी। इसके बाद जो मेरे साथ हुआ है ना, अभी देखो मैं दिखाती हूँ, इसके बाद जो गिरगिट है वो पता नहीं कहाँ से, क्योंकि इस वाले घर में अभी कोई रहता नहीं है, कुछ वो नहीं है ना, तो यहाँ पर इसी तरीके के जो जानवर होते हैं वो घूमते रहते हैं। तो इस गिरगिट ने मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया। और जो ये कारपेट नीचे बिछा हुआ था ना, बिल्कुल ऐसे ही था वो गिरगिट, मतलब उसने मुझे इतना परेशान किया कि जब मैंने, मतलब वो यहीं कहीं घूम रहा था, ठीक है, ये देखो बिल्कुल दिख रहा ना कारपेट के जैसे, जैसे कि उसका ही भाई हो रखा है कारपेट का। फिर ना मुझे इसको, मैंने पहले नहीं देखा, लेकिन फिर जब मैंने इसको देखा कि ये तो यार कुछ और ही है, फिर मैंने जब तक इसको भगा नहीं लिया ना तब तक मैं काम, सोचो मैं यहीं पर काम करते रही, मैं यहीं पर तैयार हो गई, यहीं से चली गई, फिर मैं वापस आ गई तब मुझे ये दिखा। अगर ये सोचो मेरे ऊपर चढ़ जाता तो फिर क्या होता, पर अब इतना ज़्यादा मैं सोच नहीं सकती क्योंकि अब तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे वो वाला डर फील नहीं हो रहा है।
तो फिर इसको मैंने क्या सोचा कि इसको ये वाला जो रूम दिख रहा है आपको ब्लू लाइट वाला, तो उसके अंदर इसको घुसा के मैं गेट लगा दूँगी, मैंने यही सोचा था। बट मुझे इसने इतना परेशान किया ना यार, पता नहीं इसकी मेरे से क्या दुश्मनी हो गई थी। चलो ये अंदर चला गया, फिर मैंने गेट लगा दिए इसको। ये देखो वापस मुड़ के मुझे देख भी रहा था, पर मैंने यहाँ पे गेट लगा दिए। ओके कुछ नहीं होता यार, देख लो। मैं भी बोर ही हो रही थी तो मैंने सोचा कि ये वीडियो भी शेयर कर देते हैं, कुछ नहीं होता देख लो। मैं कर रही हूँ ना, मैं भी देख रही हूँ, आप भी देखो। इसके बाद मैंने टोनर अप्लाई कर लिया जो कि रोज़ वाटर है। इसके अलावा मैं कोई ज़्यादा टोनर अप्लाई नहीं करती। उसके बाद मैंने क्रीम अप्लाई कर ली। आप जो रेगुलर मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो वो यूज़ कर लो, बस नाइट में इतना ही मैं यूज़ करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ चोचले नहीं करती हूँ कि ये लगा रही हूँ वो लगा रही हूँ, सच्ची बात यही है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मुझे पता है थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी, पर फिर भी अगर लाइक करना चाहो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।